नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल दैनिक समाचार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी नई खबरों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम रणवीर सिंह के अपकमिंग मूवी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली मूवी है गली बॉय, जो कि 14 फरवरी 2019 में रिलीज होगी। इसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, कल्कि कोचिन लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। यह मूवी म्यूजिकल ड्रामा पर बेस्ड है। इसके डायरेक्टर जोया अख्तर है और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर है। तीसरी मूवी की चर्चा करें तो यह मूवी है 83, जो की 10 अप्रैल 2020 में रिलीज होगी। इसमें रणवीर सिंह लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही पंजाबी सिंगर एमी विर्क, जो कि बलविंदर सिंह संधू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। यह फिल्म 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कपिल देव के ऊपर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं कबीर खान। अब हम तीसरी मूवी की चर्चा करें तो यह मूवी है तक, जो कि 3 मई 2020 में रिलीज होगी। इसमें रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, जानवी कपूर और अनिल कपूर ये सभी लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। यह मूवी एक्शन ड्रामा पर आधारित है। इसके डायरेक्टर हैं करण जौहर। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करिए और लाइक करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक हमें अप्रिशिएट करेगा कि हम आपको आगे और भी अच्छे नए वीडियो बना के दे सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। जय माता दी। थैंक यू for watching this video.